आईपीएल 2022 में जिस खिलाड़ी को मौका नहीं मिल पाया, धोनी ने उस खिलाड़ी को अपने पास प्रैक्टिस के लिए बुलाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2022 में एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके ऊपर सभी की नज़र थी, लेकिन बदकिस्मती से उस खिलाड़ी को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि वो खिलाड़ी आईपीएल के नियमों के आधार पर, आईपीएल के पैमानों पर खरा नहीं उतर रहा था। वो अंडर 19 विश्व कप का हीरो था। वो अंडर 19 विश्व कप का वो हीरो था जिसने धोनी की तरह छक्का मारकर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताया था। उसके बाद में हर किसी की निगाह इस खिलाड़ी के ऊपर थी। वो खिलाड़ी टीम इंडिया का बेहतर फिनिशर था। वो खिलाड़ी दूसरा धोनी था, इसीलिए इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए हर टीम चाह रही थी। लेकिन क्या करें, आईपीएल के नियम कुछ ऐसे थे कि ये खिलाड़ी नहीं खेल पाया। नियम क्या थे? नियम ये थे कि वो खिलाड़ी ना तो लिस्टे मैच खेल पाया था, ना ही कोई घरेलू मैच खेल पाया था, और ना ही उसकी उम्र 19 साल की हुई थी। नाम है बाना, नाम है हरियाणा के विकेट कीपर, धुरंधर विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश बाना। जी हाँ, दिनेश बाना को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में जगह नहीं मिली थी आईपीएल के नियमों के मुताबिक, लेकिन दिनेश बाना अब चेन्नई सुपर किंग के खेमे में प्रैक्टिस बल्लेबाज के तौर पर जुड़ गए हैं। धोनी की सागिर्दगी में दिनेश बाना इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिनेश बाना वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो T20 विश्व कप में अपने धुरंधर अंदाज के लिए जाने गए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धोनी के अंदाज में छक्का मारकर मैच जिताया। और दिनेश बाना की उसके बाद में लगातार काफी चर्चाएं हुई। कहा जाने लगा कि दिनेश बाना दूसरे टीम इंडिया के धोनी बनेंगे, लेकिन आईपीएल के नियमों के मुताबिक उनको आईपीएल मेगा ऑक्शन में जगह नहीं मिली। लेकिन इस बार दिनेश बाना प्रैक्टिस बल्लेबाज के तौर पर, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर सीएसके के खेमे में जुड़े हैं। और सीएसके का ये मानना है, सीएसके को लेकर ये कहा जाता है कि सीएसके जिस खिलाड़ी को निखारता है, जिस खिलाड़ी को बनाता है, उस खिलाड़ी को सीएसके अपनी टीम में शामिल भी करता है। और लग रहा है, माना जा रहा है कि धोनी अगले साल अगर आईपीएल ना खेले तो फिर हो सकता है कि सीएसके में दिनेश बाना आपको खेलते हुए नजर भी आए। लेकिन धोनी की सागिर्दगी में अगर दिनेश बाना रहेंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़े विकेट कीपर बल्लेबाज फिनिशर के तौर पर दिनेश बाना का नाम, उनका नाम आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। तो आपका दिनेश बाना पर क्या कहना है, इस बल्लेबाज पर क्या कहना है, इनकी फिनिशिंग स्टाइल पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।